मोबाइल, चिकन सैंडविच, डाइट कोक और मनी। कांग्रेस के टॉप लीडर्स को इन्हीं सब बातों की चिंता रहती है। और रही बात चुनाव जीतने की, तो कांग्रेस के लोग यह मानकर बैठे हैं कि जब लोग बीजेपी से बोर हो जाएंगे तो उन्हें वोट करेंगे और दिल्ली की गद्दी सौंप देंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कुछ इसी अंदाज में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी और कहा कि उनका कांग्रेस ज्वाइन करना बहुत गलत फैसला था, जिसके लिए वे माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जरूरी मुद्दों पर चुप है, यही हाल रहा तो कांग्रेस अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार्दिक ने कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मैं अभी बीजेपी में नहीं हूं और ना ही बीजेपी में जाने का अभी फैसला लिया है। पाटीदार नेता ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है, मुझे आज बुरा लग रहा है। मैंने कुछ उम्मीदों और सपनों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आज मैं माफी मांगता हूं। यह एक गलत फैसला था। हार्दिक पटेल ने कहा कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 और अब ज्ञानवापी मस्जिद जैसे बड़े मुद्दों पर कांग्रेस चुप क्यों है? अगर पार्टी ऐसे काम करती है तो वो गुजरात की सत्ता में कभी नहीं आने वाले हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ चिकन सैंडविच और डाइट कोक के लिए चिंतित रहते हैं। पाटीदार नेता ने कहा कि जो नेता आज मुझे गाली दे रहे हैं, उन्होंने ही मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने को कहा था। जब भी कोई मजबूत नेता होता है तो पार्टी यह सुनिश्चित करने में जुटी रहती है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ हों। जिस दिन से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, मैंने लगातार काम किया। 3 सालों से मैंने जाना कि वह केवल जातिगत राजनीति कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में वर्किंग प्रेसिडेंट रणनीति बनाते हैं, यहाँ मुझे कुछ करने की इजाजत ही नहीं है। पाटीदार समुदाय या कोई भी दूसरा समुदाय हो, उन्हें कांग्रेस में पीड़ित होना पड़ता है। कांग्रेस में सच बोलने पर बड़े नेता आपको बदनाम करते हैं और यही उनकी रणनीति है। गुजरात में सिर्फ हार्दिक पटेल ही कांग्रेस से नाराज नहीं है। गुजरात में कई नेता और विधायक हैं जिनका कांग्रेस में इस्तेमाल हुआ है। सत्ता में बैठना और पार्टी की तारीफ करने का यह मतलब नहीं है कि पार्टी उन्हें सीएम बनाएगी। 33 सालों से 7 से 8 लोग ही कांग्रेस चला रहे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता रोज 500-600 किलोमीटर यात्रा करते हैं। अगर मैं लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करता हूं, तो ऐसी चैम्बर में बैठे बड़े नेता इस प्रयास में खलल डालने की कोशिश करते हैं। पार्टी में ऐसी चर्चा है कि जब लोग बीजेपी से बोर हो जाएंगे तो कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका से बात की और गुजरात की समस्या को बताया था। उन्होंने पूछा और मैंने बताया, लेकिन मेरी उपेक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।